सदर आरिफ अल भी आईएमएफ के शर्तन से तैयार कल मालियाती ऑर्डिनेंस फौरी तौर मंसूर करण का इनकार कर छो। मिनी बजट कौमी असेंबली जरिए मंसूर कराने की तजवीज। नाणे वाले वसीरे सागदार ऐवान सदर में सदर आरिफ अल भी मुलाकात कर आईएमएफ से थियल गाल मुहिदे तहत 200 अरब रुपये जो इजाफी टैक्स उगाड़न लाय ऑर्डिनेंस जरिए मिनी बजट आणन बाबत आगाह कयो। जरियन मूजिब सदर चाहे तो बजट तजवीजू ऑर्डिनेंस बदरा बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश थियन। हुकूमत जो मौकफ है तो पार्लियामेंट जरिए बिल की मंसूरी में वक्त लग तेरे सदर फौरी तौर ऑर्डिनेंस जारी करे हुकूमत पारा सदर से बीहर राबते जो इम्कान। उस झूठे बयानिए के लिए उन्होंने लोगों को गद्दार कहा और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की। कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब तक हुकूमत में था कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। अगर आप अमेरिका के खिलाफ नहीं थे क्यों पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ जो रिलेशंस थे उनको आपने जेपरडाइज किया, क्यों आपने उनको खतरे में डाला। ये इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, यूथ की इंसल्ट है कि आप समझ रहे हैं कि वो जहनी तौर पर शायद आपकी तरह इतने माजूर हैं कि आप झूठ बोलेंगे वो सुन लेंगे मान लेंगे, आप यू टर्न्स लेंगे तो वो मान लेंगे। आप सोच रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था। और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस चीज को मैं ढूंढ रही हूं, वो साकिब निसार वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूं कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट। इमरान खान रिजैन चेंज बारे इल्जाम अमेरिका के वरी कर छोड़ो। हाँ चई रो है तो संदस खिलाफ साजिश अमेरिका न पर बाजवा कई। जैसे जनरल बाजवा सुपर किंग हो तो अवा शाह हुआ उनका मुलाजिम। नून लीग की नायब सदर ए चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो पीटीआई सरबराह से तनकीदी वार। मरियम नवाज चो तो रुगो एक मानू के सादिक ए अमीन करार दिन लाए सभी के गंदो वो एस्टेब्लिशमेंट पारा हथ खण बाद इमरान खान हाँ अदलिया के घोड़े से सवार थियण की कोशिश कर रो है। पंजाब असेंबली की चूंड कदें थी। पंजाब के गवर्नर बलीफुर रहमान इलेक्शन कमीशन विच में कें भी तारीख से इतफाक नी सको। बिन्हीं धुरन जो अदालती फैसले बाबत वजाहत वठण से इतफाक। पंजाब में चूंडन वाले मामले से गवर्नर हाउस में इजलास दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आईजी चीफ सेक्रेटरी बियन की शिरकत। चूंडू कराण बाबत लाहौर हाईकोर्ट फैसले जो जायजो वरतो वो। गवर्नर बलीफुर रहमान जो मौकफ हो तो पंजाब असेंबली हुन न टोड़ी है तें करे हु आयन का मथा हो को भी कदम नथो खड़ी सके। अदालती फैसलो वजाहत तलब है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चो तो गवर्नर मामले ते अदालत सा राबते की गाल कई है। जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा बल्कि एक आईनी मायर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आईन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आईन के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। अदालत जो है वो यकीनन आईन के दफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान बाकी तमाम लीडर्स और बरकर तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह ताला इस आईन का दफा करेंगे। घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाल्लाह तय कर पाने। पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले मुजिब अज रात 12 वगे का अगु ही पंजाब में चूंडन की तारीख दियण जो मुतालबो कर छो। चूंडन की तारीख न दियण ते सदर का पंजाब ए केपी के गवर्नर्स के हटाने जो भी मुतालबो। असद उमर चाहे त कानूनी माहिरन मुजिब चूंडन की तारीख न दियण ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गिरफ्तार कर सकजे थो। यकीन है त अदलिया आईन है अवाम से गड बीठल हूंदी। पीडीएम वारन के गीले बैल पाक ताई वठी वेंदासीं। फवाद चौधरी मरियम नवाज से अदलिया मुखालिफ मुहिम जो इल्जाम हणंदे चयो त
जी नैब तरमीम केस जो फैसलो वेझो अची रो है। सोशल मीडिया से जजिस खिलाफ मुहिम में तेजी आंदी पी वे। पार्टी नंढी चूंड में हिस्सो न वठण जो फैसलो करे वरतो। बिलावल भुट्टो सरदारी की सदारत हेठ पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी के इजलास दौरान नंढी चूंड में हिस्सो न वठण जो फैसलो कर वो। पीडीएम पीपल्स पार्टी के नंढी चूंड में हिस्सो न वठण की तजवीज डिनी। पश्तून तहफ़ मूवमेंट जो एमएनए अली वजीर सेंट्रल जेल कराची में आजाद। सिंध हाई कोर्ट में जमानत मंजूर थे बाद अली वजीर के सेंट्रल जेल में आजाद किया वो। पीटीएम कारकुन वे अंग सेंट्रल जेल पर अची संद साझा कई। सिंध के घरू खाते अली वजीर के आजाद करने जो हुकुम दिनो। आईपीएसएल सीजन 8 जी बी मैच में कराची किंग्स खिलाफ पिशावर जिल्मे की बैटिंग जारी। कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम टॉस खटी पहिरियां फील्डिंग जो फैसलो कयो। पिशावर जिल्मे की कप्तान बाबर आजम चयो त 160 का 170 ताई स्कोर थयो त हू खटण की पोजीशन में हूंदा। बॉलर्स के भी पंहिंजी कारकर्दगी ॾेखारणी पवंदी।